सही पर लगा दूंगा। मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग को क्या कहते हैं वो सीट मिल गई थी ना? यस सर। आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर दी वर्कशीट? यस सर। आप लोग बोल रहे थे सर क्या कहते हैं उसको ग्रुप में कैसे भेजे, आप लोग आज क्या कहते हैं आप लोग को कर दिया जाएगा आप लोग के लिए क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे खोल दिया जाएगा, आप लोग होमवर्क क्लास वर्क जो होगा वर्कशीट जो होगी आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है। यस सर। वर्कशीट ओपन कर लीजिएगा, आज वर्कशीट कंप्लीट कराते हैं उसको क्या कहते हैं चैप्टर वन कंप्लीट करा के कल नेक्स्ट टर्म से चैप्टर टू चलेंगे। ठीक है। यस पीयूष। यस सर। अभय। यस सर। ये सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है ना? यस सर। ठीक है। आप लोग की वर्कशीट खुल गई? यस सर। हो गया। हो गया ओपन हो गया सबका? तो हमारी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रही वर्कशीट आप लोग को? मिली? यस सर। आप लोग को मिल गई ना? यस सर। मिल गई ओपन? यस सर। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फ्रॉम फॉर देमसेल्व यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर डिफर्ड एज। इसका क्या होगा फर्स्ट का? सर ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ्स यानी कि जो जो खुद से अपना फूड बनाते हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोट्रोफ्स। ठीक है। यस सर। ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्व यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रिफर्ड टू एज ऑटोट्रोफ्स। तो इससे हम ऑटोट्रोफ्स की डिफिनेशन क्या कहेंगे? अभय बताइए। अभय डिफिनेशन क्या होगी इसकी ऑटोट्रोफ्स की? हाँ ऑर्गेनिज्म ह्यूमन और प्लांट विच मेक्स फूड देमसेल्व आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ। सेकंड क्या है? ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इन द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। क्या है? इन द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। गार्ड सेल, क्लोरोफाइल, वैकुल और स्पेस बिटवीन सेल्स। क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। हाँ क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीव्स में। लीव्स में। ठीक है। यस सर। डन। यस सर। थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। थर्ड है आपका जो मल्टीपल चॉइस दिया गया है उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है। थर्ड है फर्स्ट है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये करेक्ट है? यस सर। यस सर। मोस्ट मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रोफ्स। ये डन है? क्लियर है? ये इनकरेक्ट है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है तीसरा ऑप्शन? कार्बन फॉल्स है कि फॉल्स है कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ट्रू है फॉल्स है? लिबरेटेड मीन्स ऑक्सीजन आता ही नहीं आता है फोटोसिंथेसिस में? सर आता है।
क्या होता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं कि निकाल क्या कहते हैं रिलीज करते हैं रिलीज करते हैं ठीक है ठीक है और अपना है नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ है पिक्चर्स प्लांट्स ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट क्या होगा डज नॉट हैव क्लोरोफिल हां डज नॉट हैव क्लोरोफिल सर हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग इज अ हेटरोट्रोफ्स देखो फर्स्ट तो ये हो गया इज अ हेटरोट्रोफ्स तो हेटरोट्रोफ्स होता नहीं हेटरोट्रोफ्स में क्या होता है ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन क्या कहता है ये क्या कहता है ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन ये भी क्या है फॉल्स है डज नॉट हैव क्लोरोफिल क्या है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और फोर्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स जब आप खोलोगे तो वहां लिखा है न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच द ग्रो digest them kya likha hai there are a few plants which can trap insects and digest them it is not amazing such plants may green or some other color so first to hai kya kehte hai ye koh raha hai does not have chlorophyll but kya keh raha hai ye jo insective plant hote hain usme pattiyan kya hoti hain green hoti hain to ye third wala wrong ho jayega fourth wala kya ho jayega right theek hai yes sir फिफ्थ है द टर्म दैट इज यूज फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड माउड इज ऑटोट्रोपिक क्या चीज मीन्स सर जो प्लांट विच डिराइव फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जी जिनको सॉइल की क्या कहते हैं आवश्यकता नहीं होती ग्रो करने के लिए या न्यूट्रिशियंस लेने के लिए ये क्या कहते हैं वेट या ड्राई होने की वजह से या रेनी सीजन में क्या होते हैं बर्न कर जाते हैं तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं ठीक है सिक्स है आपका व्हेन वी एब्जॉर्ब द लोअर सरफेस ऑफ अ लीव थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी numerous small openings which of the following is the term given in to such openings such stomata kya ho jayega such stomata stomata theek hai yes two organisms are good friends and live together one provides shelters water and nutrition while the other prepares and provides food such an association of organism is termed as symbiosis relationship na yahi padha gaya tha na symbiosis relationship theek hai eighth hai which of the following raw materials is available in the air for photosynthesis kaun sa raw material air mein hota hai photosynthesis ke liye कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है नाइट्रोजन जो होता है वो गैसेस फॉर्म होता है ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है यस सर अब आया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन potato and ginger are both underground parts that store food where is the food prepared in these plants where is the food prepared in these plants kya keh raha hai potato and ginger are both underground parts of the store food
ये कैसे पौधे होते हैं, जो इनके कैसे क्या कहते हैं, इनका हम क्या खाते हैं? पोटैटो एंड जीजर का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? स्टेम। स्टेम या बोलते स्टेम कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस प्लांट्स? इनके पौधे, इन पौधों से भोजन कैसे बनाए जाते हैं? वेयर, कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, एडिंग द मिसिंग रॉ मटेरियल्स टू द लिस्ट गिवन बिलो। वाटर, मिनरल्स और क्या हो जाएंगे? दो चीज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या हो जाएगा? सनलाइट। ठीक है, जो दिया गया था ना, वाटर कह सकते हैं, सनलाइट कह सकते हैं, ठीक है। वाटर शायद दिया है, वाटर दिया है, मिनरल्स दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। स्टार्ट आंसर क्वेश्चंस। अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट, हाउएवर इन अ फ्यू डेज न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन प्लांट अगेन, हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स? प्लांट्स विदाउट लीव्स कैसे सर्वाइव करते हैं? लिख लेंगे। यस सर। क्या लिखा जाएगा? पहले टच पहले आप कर दीजिए फाइनल इसको। अगर प्लांट्स में क्या है, कह रहा है कि जो गोट है उसके लीव्स को क्या कह रहा है, सारे लीव्स को क्या कर गया, वो ईट कर गया, ठीक है। वो अब जो प्लांट्स है उसका जब क्या कहते हैं लीव्स खत्म हो गई, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा या अपना भोजन कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? वो क्या करेगा, सॉइल से रूट के जरिए कुछ ना कुछ भोजन क्या करेगा, अपनी जो क्या कहते हैं भोजन की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करेगा, और जो उसमें न्यू लीव्स है वो क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। यस यस। तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो रूट से पहले विद द हेल्प ऑफ रूट्स ही मेक्स अवर फूड्स, ठीक है। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग ऑफ द फर्म टर्म्स रिलेटेड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये कह रहा है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग टू फॉर्म टर्म्स रिलेटेड टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या कहता है इसको, ये मीनिंग्स है, ये क्या है उसको उलट। हाँ सर, वो सीधा सीधा जो इसका वर्ड बन रहा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ उसी तरह लिखना है, ठीक है। मतलब ये वर्ड दिए गए हैं इनको क्या कहते हैं फॉर्म में बनाना है जो कि न्यूट्रिशियस आप मोड से बिलोंग करे, ठीक है। क्लियर? यस सर। 13 है, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिशियन फॉर प्लांट ग्रोथ, बट फार्मर्स हु कल्टीवेट पल्स क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम्स, बेंगल ग्राम्स, ब्लैक ग्राम्स इटीसी डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ड्यूरिंग कल्टिवेशन, वाई? बताइए। जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्या था, दिखाते हैं आपको, दिखाया है मोस्ट ऑफ पल्स डाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्निनस प्लांट्स, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन ऑफ इज द ग्रेट सफिशियंस फॉर द फार्मर्स। क्या कहते हैं, यूजली क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, यू लर्न द
nitrogen gas is in the entry in the air, plants cannot be. क्या होता है जो नाइट्रोजन होता है, क्या है क्वेश्चन? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स ग्रोथ, बट फार्मर्स हु कल्टीवेट पल्स क्रॉप लाइक ग्रीन ग्राम्स, बेंगल ग्राम्स डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ड्यूरिंग कल्टीवेशन. इसमें जो था राइजोबियम, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया था, वो क्या करता था, इसमें क्या करता था राइजोबियम बैक्टीरिया? तो वो प्लांट्स के रूट्स में होता था और उनके लिए हाइड्रोजन वगैरह लेता था. जो प्लांट हाइड्रोजन लेता था, ये क्या था, प्लांट्स के रूट्स में रहता था. तो ये जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन था, उसको क्या कहता था, सॉल्युबल फॉर्म में या कह सकते लिक्विड फॉर्म में रूट्स के जरिए किसको देता था, स्ट्रीम्स को. तो ठीक है, समझ आया? यस सर, यस सर. ये कह रहा है अगर कार्बन नाइट्रोजन कम हो जाता है इस प्लांट ऑफ ग्रोथ, तो क्या कहते हैं वो ग्रोथ के लिए क्यों नहीं करते, तो उसमें क्या होता था, मेन क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है वो क्या कहता है, गैसियस फॉर्म वाले नाइट्रोजन को वो क्या कहता है, रूट्स रूट्स में कन्वर्ट कन्वर्ट करता है. ठीक है, वीट रो इफ लेफ्ट इन द ओपन After a few days, starts to emit a foul smell and becomes unfit to use. Give reason. जब wheat को गेहूँ को हम छोड़ देते हैं left in the open area for few days, starts to emit a foul smell and becomes unfit to for use. Give reason. इसका reason क्या होगा? Because fungus क्या होते हैं, उसमें create हो जाते हैं. और क्या होता है, जब rain क्या कहते हैं, वीट क्या कहता है, जब वेट होता है, गीला होता है, तो उसमें क्या होते हैं, स्प्राउट जो होते हैं वो निकल जाते हैं. तो वही क्या होते हैं, बाद में स्मेल करने लगते हैं. ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द appropriate raw materials available in the plant. Plant में क्या available होता है? Chlorophyll. Chlorophyll. हाँ. Available in the soil क्या होता है? Water. और दो दो ऑप्शन दिए गए ना? Water and mineral. Available in the air? Sir, carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Available during day? Sunlight. आप देखो होता क्या, दो चीजें होती हैं कि डे मीन्स क्या होता है, दिन होता है, लेकिन होता है वन डे, मतलब वन डे मीन्स एक दिन. तो एक दिन में क्या होता है, डे और डे एंड नाइट होता है, 24 आवर होता है. यस सर, 24 आवर में क्या क्या होता है, डे और नाइट. लेकिन सनलाइट कब हमको प्राप्त होती है, कब मिलती है, डे में, ओनली डे में. तो अवेलेबल ड्यूरिंग डे, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन में, सनलाइट. ठीक है, 16 है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन द एज फिगर 1.1 एंड लेबल द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन द बॉक्स. अब क्या है, गार्ड सेल, ओपनिंग और स्टोमेटल दिखाना. इसमें आपका ये क्या कहते हैं, जब देखेंगे पेज 3 में देखेंगे तो आपके दिखा गया है बुक में, जब देखेंगे तो गार्ड सेल, स्टोमेटल ओपनिंग और क्या कहते हैं, दोनों दिया गया है. गार्ड सेल जो होती हैं वो जो ये जो स्पॉट दिए गए हैं ये वाले होते हैं गार्ड सेल्स, और जो स्टोमेटा ओपन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो बीचों बीच होता है, उसमें क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग. ठीक है, बुक में आप लोग देखोगे पेज 3 पे दिया गया है, डायग्राम बना है. ठीक है, डन? यस सर. अब है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस गिवन इन कॉलम
टू मैंगो ट्री, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स. मशरूम सर, पैरासाइट. मशरूम क्या हो गए? साइपरट्रॉप. हाँ. पिचर्स प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट. कशकटा हेटरोट्रॉप. पैरासाइट पैरासिटिक पैरासाइट. ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं क्या कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं जो प्लांट होते हैं जिनके ऊपर ये क्या होते हैं उगते हैं या बर्न करते हैं, उन्हीं से अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. और एलिफेंट क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉप. ठीक है. 18 है. वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर वुल्फ लायन एंड लियोपार्ड डू नॉट ईट प्लांट्स. डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स? कैन यू प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन? क्या है इसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि ये बिना प्लांट्स के कैसे सर्वाइव करते हैं? कर लेंगे ना? यस सर. कैसे होगा? क्या होगा पीयूष? कोई इसका एग्जांपल कोई ऐसा बता सकता है? कोई बता सकता है? प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन. इसका एक्सप्लेनेशन होगा फ्यूज वाइज आ रही है. यस सर. बिकॉज दे आर हेट्रोट्रोप्स एंड दे आर क्या कहते हैं यूजिंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट. क्या है? डू नॉट ईट प्लांट्स. डज दिस मीन दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट्स? कैन यू प्रोवाइड? डज मीन दैट दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे आर कह सकते हो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड विच कैन बी मेकिंग ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स. क्या कह सकते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन क्या कहते हैं इसमें वो है नहीं है आप लोग में डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं लेकिन इसमें और रीजन दे सकते हैं बिकॉज दे आर क्या कहते हैं मांसाहारी के को क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस. और क्या था? कार्निवोरस. कार्निवोरस बिकॉज़ दे आर कार्निवोरस. हां बिकॉज़ दे आर कार्निवोरस सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है. यस यस. 19 फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ पैराग्राफ्स गिवन बिलो विद द वर्ड्स प्रोवाइड इन द बॉक्स. लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड. क्या होगा? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. लेकिन हमें क्या करना है? ये जो बॉक्स दिया गया है इसी में से देना है. विच कैप्चर अ वर्ड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस. लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सनलाइट. दिस क्या कहते हैं? फूड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यही सब है. ये शायद दे दिया इसमें पहले से बना के दे दिया. ठीक है. स्पॉट अ मेनी ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल इन द पजल गिवन एज फिगर 1.2 बाय इन सर्कलाइंग देम एज शोन. राइट द नेम्स एंड द सीड प्रॉपर एंड कैटेगराइज देम इनटू ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. क्लासिफाई the heterotrophs and into herbivores, carnivores and omnivores and spreader. अभी क्या है? ये हमें पजल दिया गया है. ठीक है. इसको तो पहले इसमें से हमको एनिमल्स को निकालना है. इसमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं फिर उनको ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में क्या कहते हैं एक सीरीज बनानी है. फिर उसमें ऑटोट्रॉप्स में और हेटरोट्रॉप्स में भी देखना है कौन से हर्बिवोरस हैं, कौन से कार्निवोरस हैं और कौन से ओमनिवोरस हैं. ठीक है. ये हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है रोज
इस पजल्स में आपको और मिलेगा, जैसे बीच में दिख रहा है मशरूम, 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो में देखोगे आपको ए आई के बाद दिख रहा है मशरूम, देखा पीछे भी दिख रहा है मशरूम, और आपका है एलिफेंट, सेम ऐसे इसमें आपको प्लांट्स और क्या कहते हैं एनिमल्स को निकालना है। सबसे नीचे वाला जो आपको दिख रहा है सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, कैरेट ठीक है। सेम ऐसे आप देखोगे इसमें प्लांट्स एनिमल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। सबसे ऊपर वाली लाइन में और एंड में आपको दिख रहा है सी आर ओ डब्ल्यू, मीन्स सबसे ऊपर रोज के आगे और आखो, ठीक है। एंड आपका है आपका इसमें कैरेट हो गया, एलिफेंट हो गया, मशरूम हो गया, काऊ हो गया, सी ओ डब्ल्यू। ऐसे देखोगे आप लोग तो पजल में आप लोग, हाँ सर साइड सर राइट साइड में फॉक्स, फॉक्स एफ ओ एस, हाँ ये जो सबसे लास्ट वाली रो है नीचे आ रही है उसमें एफ ओ एस फॉक्स भी है। ऐसे आप कहीं देखोगे ओ एस ऑक्स भी होगा, रैबिट रैबिट भी है, रैबिट आर ए डबल बी आई टी, हाँ ये जो रोज का आ रहा है जो नीचे रो आ रही है, क्या जी सर कैरेट के, सर कैरेट के आगे तुलसी लिखा है, तुलसी भी है, टी यू एल एस आई तुलसी भी है, हाँ सेम ऐसे। ये तुलसी के जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो आपको दिखेगा बी डबल ई बी, बी माने बी मीन्स सर उसके ऊपर बी भी है, हाँ बी मीन्स मधुमक्खी, ठीक है। सेम आपका इसमें से कहीं से कैट निकलेगा, देखिए सी ए टी सी ए टी, आपको इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी कीजिएगा निकालने की, ठीक है। और फिर उनको क्या कहते हैं, क्या चीज पीयूष, टाइगर भी है, टाइगर टाइगर किस लाइन में, टाइगर भी है किस रो में, क्रो के जस्ट पीछे सर, क्रो के जस्ट पीछे, क्रो के नीचे टी आई जी आर, हाँ टाइगर सीधे चले आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे आपको आंट और पैरट कहीं ना कहीं फॉक्स, हाँ या फोक्स लास्ट वाली रूम में वो तो बताया गया था, ठीक है। अब लास्ट है आपका 21, ठीक है ठीक है, 21 चल रहे, 21 पे कैन यू व्यू मी अ नेम, आई एम टॉल बट आई कांट मूव, आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई फूड, क्या होगा सर, प्लांट प्लांट ऑटोट्रॉफ, आई कैन टॉल बट आई कांट मूव, उसमें क्या हो जाएगा ट्री और आई एम ग्रीन आई कैन प्रिपेयर माई फूड, वो क्या हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। सेम ऐसे आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन एन एक्वेरियम एंड फील मी फीड मी, क्या हो जाएगा आई लिव इन वाटर, क्या हो जाएगा फिश फिश, और पीपल कीप मी इन एक्वेरियम एंड फीड मी, ये क्या हो जाएगा हेटरोट्रॉफ, ठीक है। आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, आई डिस्टर्ब यू स्लीप बाइट यू एंड सक योर ब्लड विद इन माय फूड, क्या हो जाएगा यहाँ पे सर बी सर बी, आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, मॉस्किटो हो जाएगा, क्या होते हैं जो मच्छर होते हैं क्या कहते हैं वो, हाँ मॉस्किटो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपना आयाज, आपकी विशेष वॉइस आ रही है, यस सर बहुत ज्यादा आ रही है, हाँ आयाज आपकी विशेष वॉइस, पता नहीं क्या कर रहा है आज, ठीक है। लास्ट आपका डी, आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, आई ग्रो वेल इन रेनी सीजन, चिल्ड्रेन प्लंग मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी, आई एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकम्पोज डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द सॉइल, क्या हो जाएगा इसमें सब फंगी एंड सेपरेट, हाँ
ठीक है, लास्ट आपका ये वर्सेस कंप्लीट, चैप्टर वन कंप्लीट हो गया। चैप्टर वन में जो जो क्या कहते हैं डिफिनिशंस होगी वो मैं आप लोग को क्या कहते हैं ग्रुप में डाल दूंगा, और हो सकता है आप लोग का नेक्स्ट टाइम से ग्रुप खुल जाएगा, आप लोग को जो पूछना होगा जो आस्किंग होगी वो आप डाल सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब कम डालिएगा, फालतू चीजें कम डाल के केवल काम की चीजें डालिएगा, ठीक है। अब आपका वो चैप्टर वन कंप्लीट हो गया, अब आपकी लास्ट तीन टर्म्स जो होंगे वो मैथ की क्लास करेंगे, ठीक है। यस सर, आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है सर। हाँ सर, ये जो काम है ये फिजिक्स में करना है कि बायोलॉजी में? ये साइंस का, तो अभी आपका फिजिक्स बायोलॉजी और ये अभी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग की अभी केवल वन बुक चल रही है, मेन ये जो होता है ये। हेलो, हाँ हाँ सर, वर्कशीट जो आपने बताई सर, इसको कॉपी में करना है? हाँ, इसको वर्कशीट क्या कहते हैं कॉपी में करना है। क्वेश्चन वन आंसर, क्वेश्चन टू आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला जैसे आप लोग करते हैं सब चीज ब्लू पेन से, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो ब्लैक पेन से हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। एनी और प्रॉब्लम यूज सर? कोई और प्रॉब्लम सर? हमारी साइंस की तो दो नोटबुक है। दो बनाई गई थी आप लोग को, कौन कौन सी बनाई गई है सर? फिजिक्स बायो सर, लास्ट ईयर भी सर, लास्ट ईयर भी सर थ्री कॉपीज बनी थी। क्या क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? नो सर, केमिस्ट्री नहीं बनी, फिजिक्स बायो बनी बस। फिजिक्स बायो बनी है, तो इसको आप बायोलॉजी वाले में डाल सकते हैं, बायोलॉजी वाले में, ठीक है। यस सर, इसका क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज बुक में, एक्सरसाइज और वर्कशीट, यस दोनों कंप्लीट होनी चाहिए आप लोग की, और नेक्स्ट चैप्टर से आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आप लोग का चलेगा। फर्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर क्या कहते हैं मैथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चलेगा, ठीक है सर। ये हाँ वर्कशीट आपके ग्रुप में भेज दी गई है, हाँ उसको नोटबुक में आप लोग को हाँ लिखना पड़ेगा, वर्कशीट कंप्लीट करनी है। वर्कशीट आपने ली है कि नहीं अभी ली है? अगर वर्कशीट आप लोगों ने बुक वाला लिया होगा तो वो उसमें क्या कहते हैं फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को एक नोटबुक में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज लिखिए, एक्सरसाइज जहाँ लास्ट होती है ऊपर डालिएगा वर्कशीट, और वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा, डन। जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है, जब तक आप लोग क्या कहते हैं प्रॉपर स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तब तक आप लोग को वर्कशीट क्या कहते हैं बुक में लिखनी है, ठीक है, डन। यस सर, क्लास ओवर करें। यस सर, बाय बाय सर, बाय सर, बाय बाय।